हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज मैं लाई हूँ कद्दू की एकदम अनोखी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से कद्दू। तो आज हम बनाएंगे इसे चने की दाल के साथ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कद्दू लिया है और ये कद्दू करीब 1.5 किलो है। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद हम इसे कट करेंगे। और कद्दू हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं काटती हैं, तो मैंने एक कट अपने बेटे से लगवा लिया था, उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये कद्दू जो है बहुत ज़्यादा है, तो इतना कद्दू हम नहीं बनाएंगे, हम आधा कद्दू बनाएंगे। और देखिए कद्दू अंदर से कितना सॉफ्ट है, बट इसे 2 दिन हो गए हैं रखे हुए फ्रिज में, फिर भी ये कितना अच्छा है अभी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आधा कद्दू बनाऊँगी, थोड़ा सा पार्ट हम इसमें से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, कद्दू की सब्जी हम अक्सर पूड़ी या फिर पराठे के साथ खाते हैं, लेकिन आज जो कद्दू हम बनाएंगे उसे आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे मेरी मम्मी बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। तो हम देखिए कद्दू को कट करेंगे। और यहाँ पे इसके जो बीज हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो आप चाहे तो आप बीज वाला पार्ट ये निकाल सकते हैं। तो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर इसके बीज हार्ड हों तो आप निकाल दें। जो हरा कद्दू होते हैं ना, वो एकदम सॉफ्ट होते हैं बीज, देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ये नहीं निकालूंगी और हम इसको छीलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका जो छिलका है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर छिलका थोड़ा सा गंदा हो या फिर थोड़ा सा हार्ड हो तो आप इसको निकाल दें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो अब चाहे आप इसे दोबारा भी धो सकते हैं। तो चलिए हम इसको धो लेते हैं एक बार और, पहले भी मैंने धोया था। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। और अब देखिए, यहाँ पे मैंने करीब आधा कप दाल, चने की दाल को भिगो दिया था करीब 5 से 6 घंटे पहले। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, देखिए थोड़ी सी क्या, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसे मैंने पानी से निकाल लिया है। तो चलिए इसको रखते हैं अभी हम, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तेल में डाल दिया है करीब 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना। और मेथी दाना आप तभी डालें जब तेल गर्म हो, क्योंकि जब मेथी दाना थोड़ा सा चटक जाता है ना तेल में, तो उसका कड़वापन निकल जाता है। अगर आप इसे ठंडे तेल में डालेंगे तो सब्जी आपकी कड़वी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, 2 मैंने रेड चिली डाल दी है जो सूखी हैं। इन दोनों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब जैसे ही थोड़े से भून जाएंगे, हम यहाँ पे 2 ग्रीन चिली, साथ ही 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 मीडियम साइज का प्याज, तो जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, अब हम इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं इसका चेंज करना है। और देखिए थोड़े से भून चुके हैं, यहाँ पे बस हमें इसको इतना ही भूनना है। अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे करीब 2 पिंच हींग। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हींग आप ज़रूर ऐड करें एक बार, देखें फिर इसका टेस्ट कितना बढ़िया आएगा। तो अभी देखिए, हम हींग को ऐड करने के बाद यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे कुछ। तो यहाँ पे मैंने करीब 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, जो काफ़ी तीखा है। और मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर। तो बेसिक से मसाले हैं, बट हमारी जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और बना के देखें, फिर मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और अभी हम यहाँ पे दाल डाल देंगे, जो चने की दाल भिगो के रखी थी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो अभी देखिए, इस दाल को हम मसाले के साथ थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे बिना पानी डाले हमें इसे पकाना है, बट इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढक के पका लेंगे करीब 1 या 1.5 मिनट के लिए। तो हीट को आप लो कर दें और इसे हम ढक देते हैं। तो अभी देखिए, 1 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी दाल है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो जब आप दाल को भिगो के इस तरह से पकाएंगे, तो थोड़ा ही देर में हमारी जो दाल है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये भीगी हुई है। तो अब हम यहाँ पे इसमें कद्दू ऐड कर देते हैं। तो कद्दू को मैंने वॉश करने के बाद इस तरह से जाली बाली किसी प्लेट में निकाल लें आप, या फिर इस तरह से स्टेनर होते हैं उसमें निकाल लें। और अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि दाल, मसाले और कद्दू बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए। और कद्दू में बिल्कुल पानी ना रहे, इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि कद्दू वैसे भी पानी छोड़ता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे दाल को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। और अब हमारा जो कद्दू है, देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है, बट जब ये पकेगा थोड़ा सा पिचक जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पानी वगैरह नहीं ऐड करना है, और थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि नमक पहले भी ऐड किया है दाल में, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। इसको ढक के हम पका लेंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और देखिए, करीब 3 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना है, क्योंकि कद्दू ज़्यादा है हमारा, तो ये थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो पाएगा। अभी बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ्ट हुआ है, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा अभी पानी छोड़ा है कद्दू ने। तो
तो इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे कद्दू ऊपर नीचे कर दें और इसको हम दोबारा से ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से ढक देते हैं। तो इस बार हमें इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो करीब आप 4 मिनट के बाद इसे खोलें, हीट को आप लो टू मीडियम कर दें। तो देखिए आप करीब 4 मिनट हो चुके हैं कद्दू को, अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले कद्दू में पानी बिल्कुल नहीं था, अभी देखिए थोड़ा पानी रिलीज हुआ है। तो इसी पानी में हमारा जो कद्दू है अच्छे से पक जाएगा और कद्दू में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब देखिए हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से पक चुकी होगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, कद्दू के पीस भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप इस तरह से स्पून से चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप फॉक लीजिए, इस तरह से देखिए प्रेस कीजिए, बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं देखिए। और यहाँ पे दाल को भी हम चेक करेंगे, तो दाल भी देखिए अच्छे से मैश हो रही है, दाल भी अच्छे से कुक हो गई है। और अब हम यहाँ इसको मिक्स कर देंगे। और इससे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ मसाले जो हमने अभी तक नहीं मिक्स किए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे इसमें करीब 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले की जगह आप यहाँ पे किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और साथ ही हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर काफ़ी अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा सा खट्टा कद्दू होता है। तो अब हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कसूरी मेथी आप इसमें एक बार ऐड करके देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, आप खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो इसके 1-2 पीसेस हैं हम अच्छे से मैश कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको मैश करेंगे इस तरह से तो इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और थोड़ा सा जो कद्दू की सब्ज़ी है एकदम लटपटी बनेगी, तो उस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम खड़े खड़े पीस ना रहें और ना ही सारे पीस मैश करें। तो देखिए इस तरह से हम फॉक से ही थोड़ा सा कर देते हैं इस तरह से, और बस बहुत ज़्यादा नहीं करने, करीब 8-10 पीस आप इस तरह से कर दें। और अब हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हीट को आप यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखिए। और यहाँ पे देखिए कुछ देर के लिए हम इसको चला देते हैं, करीब 20-30 सेकेंड्स के लिए। और देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट हरा धनिया, क्योंकि हमारी जो कद्दू की सब्ज़ी है देखिए इस तरह से ड्राई हो गई थोड़ी सी, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो हरा धनिया ऐड करें और इसको मिक्स करके हम इसको इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सब्जी को आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और आपकी जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे रोटी पराठा राइस के साथ भी खा सकते हैं, देखिए देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा टेस्टी है। और बहुत कम मसाले हैं और तेल भी बहुत कम डाला है मैंने, करीब 3 चम्मच तेल मैंने डाला है, आपको बताना भूल गई मैं। तो अब देखिए इसको हम सर्व करेंगे, हमारी गर्मा गर्म कद्दू मसाला बन के तैयार है। और आप इसे बनाएं, इंजॉय करें, आपको ये एकदम नया टेस्ट आएगा इसका, आपने इस तरह से नहीं ट्राई की होगी, तो एक बार इस तरह से ट्राई करके देखें। तो कद्दू की सब्जी बनाने का ये नया तरीका आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर भी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को भी प्रेस करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।